बजेगी ढोलक बजेंगे मेरी सगाई में कभी तो खनकेगी। हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सदाब सेंटर पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रिंग सेरेमनी की एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जिससे आप किसी की भी फोटो से इस तरह की रिंग सेरेमनी स्टेटस बना सकते हो फ्रेंड। तो अगर आप इस तरह की रिंग सेरेमनी स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, वरना आप इस तरह की रिंग सेरेमनी स्टेटस बना नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह की रिंग सेरेमनी स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर देना है मेरी वीडियो को एक लाइक, और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। उसके बाद आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वीडियो की आपकी तीन साइज शो हो रही है, तो आपको यहाँ से 16:9 की रेशियो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रोजेक्ट सेटिंग की, तो आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एडिटिंग ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना और नीचे आना, यहाँ से फिल स्क्रीन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको गैलरी से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको इमेज को अच्छा से एडजस्ट करके देख लेना। जो इमेज आपका एडजस्ट नहीं है उसे आपको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो ये वाला एडजस्ट नहीं है, तो आपको इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैन एंड जूम ऑप्शन पे। उसके बाद बराबर पे टिक कर देना है, और इसे थोड़ा सा आपको नीचे डाउन कर लेना है, ऐसे हल्का सा डाउन कर लेना है, तो ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद ऊपर राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज को आपको देखना है, तो ये वाला भी कट रहा है ऊपर साइड पे, तो इसे भी आपको एडजस्ट कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, बराबर पे टिक कर देना है, और इसे आपको थोड़ा डाउन कर लेना नीचे। उसके बाद ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट इमेज देखना है, ये वाला भी कट रहा है, तो इसे भी आपको सेम प्रोसेस पे यहाँ पे क्लिक करके बराबर पे टिक करके ऐसे नीचे डाउन कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से कर लेना पड़ेगा गाइस। उसके बाद नेक्स्ट इमेज देखना है, ये वाला थोड़ा सा आपको डाउन कर लेना है, नहीं तो कट रहा है फोटो, मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ फाइनली सारे इमेज को एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच बीच पे प्लस ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है, तो आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोशन कट, तो इस इफेक्ट को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर आपके काइन मास्टर पे ये इफेक्ट नहीं है, तो आपको नीचे स्लाइड कर आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, और आपको नेट ओपन रखना है। तो मैं यहाँ से यही मोशन कट को क्लिक कर लेता हूँ, और सेकंड वाला इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस पे आपको क्लिक करना है, फिर से आपको मोशन कट पे क्लिक करना है, फिर से सेकंड वाला इफेक्ट ले लेना है, ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी प्लस आप देख पा रहे हैं, सबको इसी तरह से आपको मोशन कट ऐड कर लेना है, सेकेंड वाला इफेक्ट। तो मैं फटाफट सब पे ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे जितने भी प्लस ऑप्शन है सबको मैंने मोशन कट इफेक्ट ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, और इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लेंथ सबकी कम कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस की लेंथ कम कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसे वीडियो को सेव कर लेना, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपकी गैलरी पे सेव हो जाएगी। तो जब तक ये आपका सेव हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस, फाइनली ये यहाँ पे सेव हो चुका है, तो आपको एक बार बैक चले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी विगनेट, तो आपको इसे इनेबल कर देना है, और ऊपर राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, इसकी भी विगनेट ऑन करना है, ऊपर राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है सबकी विगनेट आपको इस तरह से ऑन कर लेना है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है सबकी विगनेट ऑन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेयर पे टच करना है, इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ से आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है, और फर्स्ट वाला ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है, और इसे आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रीन पे सेट करना है, और सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसे 6 पे रख लेना है, 6 पॉइंट पे इसे रख लेना, और इसकी लेंथ
वीडियो की एंड तक आपको बढ़ा देनी है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आना है और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड कर लेना है। तो उस ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर देना है और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्पलेट की लेयर पे क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। इसे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरह आपको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और आपको अभी जिस वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैंने उस वीडियो का यहाँ पे ऐड किया, तो इस तरह से इसे स्मॉल कर लेना है और आपको इस फ्रेम पे सेट करना है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। तो आपको अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेना है, बड़ी बारीकी से आपको करना पड़ेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे इसे सेट कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने यहाँ पे इसे सेट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थ्री डॉट ऑप्शन मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट ऊपर आ चुका है, उसके बाद ओके कर देना आपको। तो गाइस देखिए यहाँ तक मेरी वीडियो बन चुकी है, तो अब इस पर हम एक पीएनजी रोज इमेज ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक पीएनजी इमेज ऐड कर लेना है। तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस मैंने उस रोज़ की पीएनजी इमेज यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो आपको इसे स्मॉल करना है कुछ इस तरह से और आपको यहाँ पे सेट करना है ऐसे और इसकी लेंथ वीडियो की एंड तक बढ़ा देनी है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आना है। तो गाइस फाइनली मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए वीडियो पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देखने में बड़ा ही कूल लग रहा है। तो ऐसे ही काइन मास्टर से इस तरह की रिंग सेरेमनी स्टेटस आप एडिटिंग कर सकते हो। और इस पर अगर कोई सॉन्ग ऐड करना चाहते हो गाइस, तो आपको सबसे पहले टेम्पलेट की साउंड को म्यूट करना है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसकी साउंड को म्यूट कर देना है। उसके बाद आपको ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से कोई भी ऑडियो ऐड कर लेना है, मैं जैसे कि एक ऑडियो ऐड करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए नीचे साइड पर ऑडियो क्लियर आ चुकी है, तो इस तरह यहाँ से ऑडियो ऐड कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपकी गैलरी पे सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जाते जाते मेरी वीडियो को कर देना है एक लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।